दोस्तों, अगर आप भी नहीं जानते हैं कि हाथों को चौड़ा और मस्कुलर बनाने के लिए कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 ऐसे एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो भी आपके हाथ काफी बढ़िया से चौड़े और मस्कुलर बन जाते हैं, यानी कि डोले निकल आते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपके हाथों को काफी बढ़िया से स्ट्रेचिंग करते हैं और साथ ही हाथों को गेन भी करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। हाथों को चौड़ा बनाने के लिए सबसे पहला एक्सरसाइज आपको करना है डंबल कर्ल। दोस्तों, ये एक्सरसाइज हमारे बाइसेप्स के लिए काफी बढ़िया होता है। इसमें आप डंबल को हाथ में लेकर ऊपर करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करना है। 8 से 10 रैप्स के 3 से 4 सेट आप कर सकते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइज आपको करना है केबल मशीन कर्ल। ये एक्सरसाइज भी दोस्तों बाइसेप्स के लिए काफी बढ़िया होता है। इसमें मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं आपको कैसे परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज भी हाथों को गेन करने के लिए काफी बढ़िया होता है। 8 से 10 रैप्स के 3 से 4 सेट आपको करने हैं। नंबर 3 एक्सरसाइज आपको करना है हैमर कर्ल। ये एक्सरसाइज दोस्तों बिल्कुल डंबल कर्ल की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको डंबल्स को खड़े पकड़ना होता है, जैसे हथौड़ा होता है, और आपको ऊपर नीचे करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपके आर्म्स के लिए काफी बढ़िया होता है। 8 से 10 रैप्स के 3 से 4 सेट आपको करने हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज आपको करना है डंबल जोटमैन कर्ल। इस एक्सरसाइज में आपको हाथों को ऊपर लेते वक्त डंबल को घुमाना होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपके आर्म्स को काफी बढ़िया से मस्कुलर बनाता है, स्ट्रेचिंग करता है। 8 से 10 रैप्स के 3 से 4 सेट आप लगा सकते हैं। और आखिरी वर्कआउट आपको करना है ट्राइसेप पुश डाउन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए केबल मशीन को बाहर की तरफ से पकड़कर आपको नीचे धकेलना होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स को गेन करती है, यानी कि पीछे से हाथ को मोटा बनाती है। 8 से 10 रैप्स के 3 से 4 सेट आपको लगाने हैं। अगर आप केवल इन एक्सरसाइज को करते हैं तो भी आप अपने आर्म्स को काफी बढ़िया से गेन कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।